हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक आईटी के फंडे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब वीडियोस विद एडसेंस। तो आपके वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए एडसेंस के अकाउंट से आपके जो यूट्यूब वीडियोस है उसको मोनेटाइज करने के लिए आपके पास तो सबसे पहले एडसेंस का जो गूगल का जो एडसेंस अकाउंट है वो इनेबल होना चाहिए। तो अगर आपके पास गूगल का एडसेंस अकाउंट इनेबल नहीं है तो आपके यूट्यूब के वीडियो मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए यूट्यूब के वीडियो मोनेटाइज किस तरह से किए जाए, एक प्रोसीजर है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी यूट्यूब वीडियो किस तरह से मोनेटाइज किए जाते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए मैंने जैसे अभी मेरा जो ये जो यूट्यूब चैनल है इसका जो होम पेज है यहाँ पर मैंने खोल के रखा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। इस चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, अपलोडिंग, वीडियो एडिटर, मोनेटाइजेशन, लाइव स्ट्रीमिंग, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें से कुछ एनेबल्ड है, कुछ एनेबल करना है हमें। तो हमें क्या करना है कि मोनेटाइजेशन इनेबल करना है, इसलिए मैं ये जो इनेबल का ऑप्शन है मोनेटाइजेशन के पास, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पर मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या ये कुछ कंडीशंस लिखी है, वो क्या बोल रहे हैं वो देखिए। अकाउंट स्टेटस है टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, यानी यूट्यूब वीडियो से अगर आपको पैसा कमाना है तो हमें हमारा वीडियो एडसेंस अकाउंट से मोनेटाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन में लिखा है ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, सेटअप एन एडसेंस अकाउंट, चूज द वीडियोज यू वॉन्ट टू मोनेटाइज। मतलब हमें यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, बाद में एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और वीडियोस हमें चूज करने पड़ेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें से हमें वीडियो चूज करने पड़ेंगे कि किस वीडियो को हम अपने एडसेंस अकाउंट से मोनेटाइज करना चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, हाउ कैन माई वीडियोज मेक मनी, हाउ मच विल माई वीडियोज अर्न, वट टाइप्स ऑफ वीडियोज आर एलिजिबल, विच वीडियोज आर नॉट एलिजिबल। मतलब किस तरह के वीडियो हमें बनाने चाहिए पैसे कमाने के लिए, और इसके डिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में जब भी आप एंटर करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर कुछ गूगल्स की और यूट्यूब की पॉलिसी है, जैसे कि किसी का प्राइवेट वीडियोस नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपीराइटेड वीडियोस नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीराइट होता है तो उससे आप पैसे नहीं कमा सकते, खुद का क्रिएशंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाया है, ये जो भी प्रोसीजर है मेरा सारा का सारा जो मैं यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेरा खुद का सेटअप होना चाहिए। जब भी हम इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जब भी आप अपने वीडियो को प्लेस करोगे और एडसेंस से मोनेटाइज करोगे तो आपका वीडियो जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर हाउ मच विल माई वीडियोज अर्न, मेरा वीडियो किस तरह से कमा सकता है, अर्निंग की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर लिखी गई है कि जितने मतलब एड्स आपके यूट्यूब वीडियोस पर आएंगे और उसमें से जितने क्लिक्स होंगे उस हिसाब से वो जो यूट्यूब जो है आपको पैसे देता है। और साथ ही साथ किस तरह के वीडियो जो है वो एलिजिबल है इसके यूट्यूब से अर्न करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज दिए हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिसको हमें फॉलो करना है। जैसे कि कॉपीराइटेड वीडियो नहीं होना चाहिए, किसी का मटेरियल नहीं, कंटेंट मटेरियल नहीं होना चाहिए। जो भी हम करते हैं भले ही टॉपिक हमारा सेम हो लेकिन जो जो एक्सप्लेन करने का तरीका है या फिर जो भी हम एडिट कर रहे हैं, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, तो तभी हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारे गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद हम जाते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के ऊपर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें मोनेटाइज करना है हमारे यूट्यूब वीडियोस। यहाँ पर देखिए कुछ
गाइडलाइंस दी गई है मोनेटाइजेशन की, जैसे फिर मुझे यहाँ पर टिक करना पड़ेगा आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड अबव, ये भी और ये तीनों, तीनों को टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अनेबल योर अकाउंट फॉर मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के लिए हमारा अकाउंट इनेबल करने के लिए एडसेंस अकाउंट से हमें इसे ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा सेटअप एडसेंस अकाउंट के ऊपर। अब अगर आपका पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो आप अपने एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट से आपके यूट्यूब चैनल को जोड़ सकते हो, या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल के लिए एक नया एडसेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ से मैं साइन इन कर लेता हूँ और ताकि मैं अपना जो एडसेंस का जो पेज है, जो एडसेंस का अकाउंट है वो सेटअप कर सकूँ। तो उसके लिए साइन इन करने के बाद जो गूगल का जो एडसेंस अकाउंट है वहाँ पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जिस ईमेल आईडी से हमें क्रिएट करना है उसी ईमेल आईडी वहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में दिखाई दे रही है। और यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोलकाता UTC+530, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट टाइप यहाँ पर इंडिविजुअल टाइप लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ से स्टेट चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे एडसेंस ईमेल प्रेफरेंसेस दिए गए हैं जिससे आपके कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन मिलेंगे आपको यूट्यूब एडसेंस अकाउंट के तरफ से, और न्यूज़ लेटर्स मिलेंगे, मार्केट रिसर्च के लिए इनविटेशन, स्पेशल ऑफर्स और इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मैं अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये जो गूगल की एडसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको आप चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, योर एडसेंस एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यूड, यू विल रिसीव एन ईमेल अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन सून। मतलब जो भी मेरा एडसेंस अकाउंट है उसके लिए मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यूड किया जाएगा और बाद में ही मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग मेल हमारे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आ जाएगा। एडसेंस का जो ईमेल आईडी है जिस पे हमने ये रजिस्टर किया है वो सारी प्रोसीजर उस ईमेल से होगी। जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो आपको अगर एक्टिवेट करना है तो अभी आपको अपने जीमेल पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो जीमेल पर लॉगिन करने के लिए क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो मोनेटाइजेशन का जो मेरा एडसेंस आईडी है यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेटस है, और जिस टाइम मैंने अपना ये एडसेंस आईडी क्रिएट किया है वहाँ का टाइम दिखा रहा है जब ये एडसेंस आईडी मेरा ये शुरू हुआ है। मैंने जिस एडसेंस के ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है वहाँ पर मैं अपना जीमेल का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे जो ईमेल है वहाँ पर एडसेंस अकाउंट इनेबल होने का मेल आया है या नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और यहाँ से पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने साइन इन पर क्लिक कर लिया। ये देखिए मैं अपने जीमेल के पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा हूँ।
और यहाँ पर हमें एक मेल आया है, और यहाँ पर लिखा है यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट पेड फॉर योर वीडियोज़। इस मेल को ओपन करना है हमें, और यहाँ पर मेल ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए लिंक योर अकाउंट, लिंक योर अकाउंट इसके ऊपर में क्लिक करना है, और हमारा लिंक ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो गूगल का जो एडसेंस अकाउंट है वो हमारे यूट्यूब के चैनल से, चैनल का जो अकाउंट है या फिर यूट्यूब के जो वीडियो है उससे लिंक हो जाएगा। इसके लिए क्या करता है, मैंने लिंक योर अकाउंट पे क्लिक कर दिया है और अभी मैं नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, तो ये ओपन हो रहा है। यहाँ से हमें साइन इन करना है, वहाँ यहाँ से साइन इन करने पर ये देखिए यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट एसोसिएशन इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा मोनेटाइजेशन का अकाउंट चालू हो गया है। यहाँ पर ऊपर में लिखा है कि योर अकाउंट इज इनेबल नाउ, यू कैन एनेबल और डिसेबल, मतलब यहाँ पर जो सबसे नीचे में देख रहे हैं आप डिसेबल मोनेटाइजेशन, यहाँ पर लिखा है मैं चाहूँ तो मेरा जो एडसेंस का अकाउंट है या फिर जो मोनेटाइजेशन है, सॉरी एडसेंस का अकाउंट नहीं, जो मेरे यूट्यूब के जो वीडियो जो मोनेटाइज हो रहे हैं मैं यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ बाय क्लिक ऑन डिसेबल मोनेटाइजेशन पर क्लिक करके। तो इसी तरह से आपको आपके YouTube के जो वीडियो है वो मोनेटाइज करना है, और हमने अभी इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप अपने जो एडसेंस का जो अकाउंट है वो YouTube के जो आपका अकाउंट है उससे लिंक कर सकते हो। तो हमारे वीडियो मोनेटाइज हुए या नहीं हुए इसके लिए मैं वीडियो मैनेजर पर लेकर चलता हूँ आपको। वीडियो मैनेजर पर जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो वीडियो अपलोड हैं वो मोनेटाइज हुए या नहीं हुए, तो इसको किस तरह से देखना है। ये देखिए यहाँ पर जो डॉलर का सिंबल है यहाँ पर आप अगर कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको मोनेटाइज लिखा दिख रहा है, मतलब हमारे जो यूट्यूब के अकाउंट से जो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो लिंक हो चुका है। और यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, जिस वीडियो को भी हमें मोनेटाइज करना है तो वहाँ पर जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको वहाँ पर क्लिक करके आपको कोई भी वीडियो के लिए मोनेटाइजेशन ऑफ या तो ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। तो मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए जो राइट का सिंबल है इसका मतलब मेरा मोनेटाइजेशन एड्स के साथ हो गया है, और मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से बंद कर सकता हूँ और ऐसे ही शुरू कर सकता हूँ मोनेटाइजेशन। और सेव से सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, और इस तरह से आप अपने वीडियोस को एडसेंस के लिए मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे जैसे एड्स आपके वीडियो के ऊपर आएंगे वैसे वैसे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लिक्स आपके वीडियो के ऊपर होते हैं तो आप इस माध्यम से अर्निंग कर सकते हो। याद रखिए आपको बोलना नहीं है कि ये जो वीडियो है इसके ऊपर जो भी ऐड चल रही है उसके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि जानबूझकर क्लिक अगर करते हो तो आपका CTR बढ़ेगा और उससे जो आपका जो YouTube चैनल है वो सस्पेंड हो सकता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इसीलिए सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़े और उसके बाद ही जो भी कुछ कदम उठाना है उठाए। अगर आपको CTR क्या है और CPC क्या होता है उसके रिलेटेड वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों जब भी आप मेरे YouTube चैनल पर आते हो तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में जब भी आप टाइप करोगे टेक IT के फंडे तो ऐसा पेज खुलेगा, और यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है यहाँ से आपको मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब भी आप चाहते हो कि नए वीडियोस आपके मोबाइल पर इसकी नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना बेहद आवश्यक है। अगर आप मोबाइल से मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसके थोड़ा बगल में यहाँ पर आप बेल का आइकन देखोगे, और इस बेल के आइकन के ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको
जो भी मेरा नया वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको इसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।